एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ फिर से लड्डू गोपाल की ड्रेस, और ये मैं बनाने वाली हूँ रबड़ बैंड के ऊपर। मैंने पिछली वीडियो में भी बटरफ्लाई ड्रेस रबड़ बैंड के ऊपर बनाना सिखाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मैं दे दूँगी। तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करके, वहाँ टच करके आप मेरे वीडियोज़ तक जा सकते हैं। तो और भी ड्रेसेस, विंटर ड्रेसेस मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी अपलोड की हैं अपने चैनल पर, तो वहाँ जाकर आप मेरे जो बनाई हुई ड्रेसेस हैं उन्हें बनाना सीख सकते हैं। तो सभी ड्रेसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वहाँ जाकर आप इनको बनाना सीख सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है SandhyaSharma4308। वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का रबर बैंड। इस रबर बैंड से आप 4, 5, 6, 7, 8 नंबर के लड्डू गोपाल को आसानी से पहना सकते हैं इस ड्रेस को। तो देखिए इसकी जो लंबाई है, मैंने इस तरह से इसको नापा है, आप इस तरह से इंच टेप से भी नाप सकते हैं। 2 इंच है, 2 इंच इसकी लंबाई है, तो इस तरीके से आप नाप सकते हैं। और छोटे लड्डू गोपाल के लिए आप बना रहे हैं, तो छोटी वाली जो रबड़ आती है 1 इंच वाली, आप उस पे भी इस ड्रेस को बना सकते हैं। सेम यही ड्रेस इतनी छोटी बना सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं रबड़ बैंड ले रही हूँ, इसमें मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, एक कलर ये और एक कलर वाइट। एक ऑरेंज लिया है मैंने, तो ऑरेंज कलर सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर चुन सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले एक इस तरह से नॉट बनाएंगे। देखिए इस तरीके से नॉट बनाएंगे, आपको जैसे भी बनाना आता है आप उस तरीके से ही बना सकते हैं। इसको थोड़ा लंबा रखेंगे, क्योंकि जो हमारा रबड़ बैंड है इसका साइज़ के अकॉर्डिंग हमने इसको बड़ा रखा है। इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे। अब उंगली पर धागा लपेटते हुए यहाँ से हम इस धागे को लेंगे और इस तरह से नॉट लगा देंगे। अब हमने इसके रबर बैंड के अंदर से धागा लेते जाना है इस तरह से, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते जाना है। इस तरह से धागा लेते जाएंगे और सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखिए पास पास आपको करना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं करना है, रबर बैंड हमारा पूरा ढक जाना चाहिए। इस तरीके से हम ये इस तरीके से इसको पूरा बनाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। जितने भी इसमें क्रोशिया आए उतने ही क्रोशिया हम इसमें बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्रोशिया हमारे लूज़ नहीं आने चाहिए, इतने क्रोशिया हमें बना लेने हैं। देखिए हमारी रो कम्प्लीट हो गई है, हमारे यहाँ पर 42 क्रोशिया आए हैं, 42 क्रोशिया हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्रोशिया है उसमें हम अपना क्रोशिया पहले जो चेन में क्रोशिया निकालेंगे और स्लिप स्टिच से इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। तो ये हमारे पूरे कंप्लीट क्रोशिया हो गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक दो दो हमने यहाँ पर चेन ली हैं। दो चेन लेने के बाद धागा इस तरह से करेंगे, और जो जिसमें से हमने ये चेन ली है उसमें से ही हम एक बार क्रोशिया डबल निकालेंगे, डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में भी हमने डबल क्रोशिया इस तरह से निकालना है, और इसी तरह से हमने ये डबल क्रोशिया निकालते हुए ये वाली पूरी जो जितनी भी हमारी चेन्स बन नज़र आ रही हैं इन सबको हमने ऐसे ही बना लेना है। तो देखिए मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, मेरा ये कंप्लीट होने वाला है। कुछ कटोरी नुमा ये नज़र आएगा, इस तरह से हमने लास्ट में डबल क्रोशिया ले लिया है। उसके बाद देखिए 1, 2, 3 थर्ड चेन में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और हमने इसको बंद कर दिया, तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4 हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 क्रोशिया लिए। अब देखिए क्या करना है,
एक जो हमारा है क्रोशिया, एक दो स्किप कर देंगे और तीसरे में हम ले लेंगे। एक हमारा ये क्रोशिया हो गया, एक दो और ये तीन, तीन हमारे तीसरी जो चेन है उसमें हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे। उसके बाद देखिए फिर से एक दो तीन, तीन चेन लेंगे और एक दो दूसरी चेन में अब हम स्किप करेंगे, सॉरी तीसरी चेन में, तीन हमने लिए हैं चेन तो हमने एक दो तीसरी चेन में इसको लगाना है इस तरह से। फिर से देखिए एक दो तीन चेन और एक दो स्किप कर दिए, तीसरे में हमने इसको सिंगल क्रोशिया कर दिया, एक दो तीन चेन, एक दो स्किप कर दिए और तीसरी चेन में हमने इसको सिंगल क्रोशिया किया, एक दो तीन, एक दो तीन, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से करते हुए इसको पूरे राउंड को हम यहाँ पर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अगर लास्ट में आपका एक स्किप हो रहा है तो आप ऊपर दो चेन लेकर इसको जॉइंट कर दें। देखिए लास्ट में हमने तीन चेन ले ली हैं और तीन चेन के बाद एक दो तीसरे में ही हम जॉइंट करेंगे, तो तीसरे में जॉइंट हमने हमारा उसी में जॉइंट हो रहा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इस तरह से हम इसको जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर एक चेन लेकर इस धागे को हम कट कर देंगे। धागा हमने कट कर दिया तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब हम दूसरा जो कलर है वाइट उसे उठाएंगे और यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक नॉट लगाएंगे। आप नॉट डायरेक्ट भी इसको जॉइंट कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। तो मैं यहाँ पर नॉट लगाती हूँ और तब जॉइंट करती हूँ इस धागे को। जो भी धागा किसी भी प्रोजेक्ट में जब मैं जॉइंट करती हूँ तो इस तरीके से ही जॉइंट करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस पहले वाले जो होल में देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इसको जॉइंट कर लेना है। धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे, प्रेस कर देंगे और किनारे पर इसको जॉइंट करना है। ये धागा भी मैं इसके साथ ले रही हूँ ताकि नज़र ना आए, टाइट करेंगे इस तरह से। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच हमने यहाँ पर क्रोशिया लिया है। उसके बाद देखिए एक दो तीन, तीन बार हमने यहाँ पर जो है क्रोशिया लिया है, को लपेट लिया है धागे को और इसके अंदर से हम क्रोशिया निकालेंगे। तो तीन बार ही हमने निकालना है, देखिए दो दो करके इस तरह से, एक बार निकाला दो में से, फिर एक बार निकाला दो में से और फिर एक बार निकाला दो में से और फिर हम देखिए फिर इसमें से भी हम एक बार निकाल देंगे। तो हमारे ये ट्रिपल क्रोशिया ये हो जाता है। फिर हम तीन बार लेंगे इस तरह से, ये वन फोर्थ है, ये चार बार हमने लिया है और इस तरीके से हमने इसको लेना है और इस तरह से हमारा क्रोशिया बन जाएगा। तो एक दो तीन हमारे पास हो गए हैं। चार, चार हमारे पास हो गए हैं। और एक बार और लेंगे, पांच इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लेने के बाद हम यहाँ पर एक दो तीन चेन लेंगे और ये दो लूप हैं इसके अंदर से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए एक दो तीन बार फिर से लेंगे और हम अब हमें लेना है नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाला जो हमारा तीन चेन का पार्ट है उसमें से हम क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर किस कितने लिए थे, देखिए एक दो तीन चार हमने लिए थे, तो चार ही यहाँ पर हमने लेने हैं। एक दो हमने ले लिए हैं, तीन ये हो गया हमारा, चार
आप चाहे ट्रिपल क्रोशिया से भी इसको बना सकते हैं। अब देखिए, 1 2 3 4 5 5 हमने लिया और यहीं पर हमने इसको सिंगल क्रोशिया कर दिया इस तरह से। तो इस तरह से हमारी जो ये वाली पत्ती इस तरह से बन जाएगी और इसी तरह से हमने ये सभी पत्तियाँ बना लेनी है। और हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमने फिर से इतने ही क्रोशिए बनाने हैं, 4 4, 1 2 3 4 इधर और 1 2 3 4 इधर। ये हमारी साइड में 5 चेन है और इस साइड में भी 5 चेन है। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये लास्ट पत्ती भी हमने बना ली है, 5 चेन लेकर इसको यहीं पर इसको स्लिप स्टिच से हम ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। ज्वाइंट करने के बाद देखिए क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक चेन लेकर इसको थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा लेकर इसको कट कर देंगे। उसके बाद देखिए ये धागा है, इस वाले धागे को जहाँ से हमने शुरू किया है यहाँ से इसको एक बार पीछे की साइड निकाल देंगे ताकि जो हमारा थोड़ा सा स्पेस नज़र आ रहा है वो नहीं नज़र आएगा बिल्कुल। और पीछे की साइड ले जाकर इसको हम एक बार नॉट लगा देंगे, कहीं से भी किसी भी चेन में से ले जाकर आप इसको एक बार नॉट लगा दें जिससे ये लूज़ नहीं होगा धागा इस तरह से। और आप यहाँ पर इसको कहीं से भी अंदर की साइड निकाल दें जिससे धागा भी नज़र नहीं आएगा और एक्स्ट्रा धागे को आप कट कर दें। देखिए अब ये हमारी जो ड्रेस है, ये फ्लावर ड्रेस है, इनको अच्छे से आप फ्लावर को आप इस तरह से पत्तियों को खोल दें अच्छे से इस तरह से। तो ये हमारी ड्रेस जो है उनका घेर है वो तैयार हो गया है। और आप चाहें इसको ट्रिपल क्रोशिया में बना सकते हैं। ये मैंने 4 बार धागा लिया है, इसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, कौन सा क्रोशिया इसको कहते हैं तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएं। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल को इनको पहना कर दिखाती हूँ, कितनी प्यारी सी ड्रेस ये बनकर तैयार होती है और बहुत ही सुंदर लगती है। आप चाहे किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल को इनको पहनाएं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको रबड़ बैंड को लेना है। ये मेरे 7 नंबर लड्डू गोपाल हैं। तो ये ड्रेस मैंने पिछली वीडियो में बनाई है, बटरफ्लाई, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, रबड़ बैंड पर ही मैंने बनाई है। इसको पहनाना बहुत ही आसान है, आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ज़रूर दे दूँगी, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको टच करेंगे तो आप मेरी वीडियो पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए इसी पर मैंने देखिए चोली बनाई हुई है, चोली का भी मैंने मेजरमेंट के साथ मैंने दिया हुआ है कि 0 से 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल की चोली आप कैसे बनाएं, बहुत ही आसान तरीके से आप ये बना सकते हैं। तो मैंने मेजरमेंट है वो दिया हुआ है, बिल्कुल फिक्स जो है लड्डू गोपाल की चोली आएगी और पजामे का भी मैंने मेजरमेंट दिया हुआ है। अब देखिए मैं इनको पहना कर आपको दिखाती हूँ कि ये ड्रेस भी 8 नंबर के लड्डू गोपाल तक को आ जाएगी आराम से। इस तरह से इनको आप चोली को दबा दें ऐसे, रबड़ को ऊपर कर दें और बैक साइड से भी चोली को दबा दें, अच्छे से आप फिक्स कर दें फ्लावर को। और इस तरीके से आपकी लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई है। आराम से आप इसको पहना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी, इतनी छोटी सी प्यारी सी और बहुत जल्दी बनने वाली ड्रेस है ये। तो वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया है तो, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे क्रोचेट, नीटिंग, क्राफ्ट के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप कैसा लगा आप। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी है संध्या शर्मा 4308। वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।